क्या आप रेगुलरली वेब सीरीज अथवा अश्लीलता देखते हैं? वेब वीरती एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। एक बार एक आचार्य भगवंत ने अपने प्रवचन में युवाओं से प्रश्न पूछा कि आप वायलेंस अथवा वल्गैरिटी वाली मूवीज क्यों देखते हो? तो युवाओं ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आचार्य भगवंत ने पूछा कि वायलेंस की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि वल्गैरिटी में किस प्रकार का एंटरटेनमेंट है? तो नादान युवाओं ने कहा, गुरुदेव, हम किसी के साथ बुरा या गंदा तो कर नहीं रहे, तो सिर्फ देख रहे, देखने में क्या गलत है? तब आचार्य भगवंत ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है? सोच कर जवाब देना, फिर पलट मत जाना। युवाओं ने कहा, हाँ गुरुदेव, देखने में तो कोई गलत नहीं लगता। तब आचार्य भगवंत ने कहा, फिर तो ठीक है, कोई व्यक्ति आपकी माँ बहन बेटी पत्नी को इस तरह से देखेगा तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा ना? युवा भड़क गए कि गुरुदेव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हमारी माँ बहन बेटी पत्नी को कोई इस प्रकार से देखे ये हम कैसे सहन कर सकते हैं? तब आचार्य भगवंत ने कहा कि आप वेब सीरीज आदि ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो वल्गैरिटी अश्लीलता देख रहे हैं, उनमें आने वाली महिला भी तो किसी की माँ बहन बेटी या पत्नी है। आप अपनी माँ बहन बेटी पत्नी को उस अवस्था में सहन नहीं कर सकते हो, तो अन्य की माँ बहन बेटी पत्नी को उस अवस्था में कैसे देख सकते हो? आचार्य भगवंत ने आगे कहा कि भले कानून सिर्फ शारीरिक पाप को पाप मानता होगा, लेकिन कुदरत मानसिक पाप को भी पाप मानती है और उसका भी हिसाब होता है। क्या अश्लीलता देखकर मन में पाप नहीं आता? बिल्कुल आता है। जब मन में अश्लीलता, गंदगी या फिर वासना वाले विचार चलेंगे तो क्या हमारे शील का भंग नहीं होता है? क्या हमारी पवित्रता धीरे धीरे नष्ट नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सब युवा चुप हो गए। हमें इस गलत फहमी से दूर हो जाना चाहिए कि गंदा देखने से शील का भंग नहीं होता, गंदा करने से, गंदा बोलने से एवं गंदा सोचने से भी शील का भंग होता है, पवित्रता नष्ट होती है। यह वो भारत की भूमि है जहाँ पर भगवान महावीर हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, एक सीता माता को बचाने के लिए भीषण युद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लाखों करोड़ों आत्माओं ने अपना बलिदान दिया, किसके लिए? एक स्त्री की रक्षा के लिए। सीता माता से जब पूछने में आया कि आप रावण को सरेंडर हो जाओ ना, आप सरेंडर होंगे तो सिर्फ आपको अकेले को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप नहीं मान रहे तो लाखों का कत्लेआम होगा। लेकिन तब सीता माता ने जो उत्तर दिया, सब हिल गए। सीता माता ने कहा कि आज यदि लाखों लोगों को बचाने के लिए भी यदि मैं सरेंडर हो गई तो भी भविष्य में करोड़ों नारियां अपने शील की रक्षा के बारे में नहीं सोचेगी। उनके लिए ये आलंबन हो जाएगा, बहाना हो जाएगा कि सीता माता भी यदि अपने शील को सरेंडर कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। कैलकुलेशन देखिए, एक स्त्री की रक्षा के लिए करोड़ों का कत्लेआम भी इतिहास को मंजूर था, यानी कि प्राण से भी ऊपर है शील। लेकिन आज क्या हो रहा है? पैसों की लालच में कुछ घटिया लोग अश्लील फिल्में बनाकर युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि वे लोग खुद का तो भयानक नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का नुकसान कर रहे हैं। वे लोग तो अपनी फिल्में बनाकर पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इनके कारण मासूम बच्चियों का जीवन खतरे में आ चुका है। OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो अश्लीलता परोसी जा रही है, इसके कारण युवा वर्ग अपना टाइम, मनी, एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेशन, हेल्थ, रिलेशंस, फ्यूचर, कैरेक्टर आदि सब बिगाड़ रहा है। हम भाइयों से भी कह देते हैं, किसी स्त्री पर हमला करके उसके साथ दुष्कर्म करने में कोई मर्दानगी नहीं है, स्त्री के प्रति वासना जगाने में भी कोई मर्दानगी नहीं है, अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने में असली मर्दानगी है। हम बहनों से भी कह देते हैं, इतिहास पढ़ने जाए तो अनेकों युद्ध स्त्री के शील की रक्षा के लिए हुए, अनेकों रानियों ने, महारानियों ने अपने शील की रक्षा के लिए अपने शरीर को हंसते हंसते अग्नि को सौंप दिया। चंद पैसों के लिए इस तरह की गंदगी में पड़ना अथवा कुछ समय के सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के लिए किसी अन्य पुरुष और स्त्री की अश्लीलता देखना, यानी कि हमारे उन पूर्वजों को तमाचा मारने जैसा है। प्रश्न ये है कि क्या हम हमारे शील की रक्षा के साथ साथ हमारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी आदि के शील की रक्षा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले हमें इस गंदगी से दूर होना होगा। प्रभु महावीर को याद करें तो प्रभु ने ये वासनाओं का त्याग किया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया, तभी तो वे विश्व विजेता बने। भगवान श्री महावीर स्वामी के निर्वाण के 2550 वर्ष के निमित्त वल्गैरिटी, वायलेंस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम से बचने के लिए विश्व भर से सैकड़ों की संख्या में वेब वीरती से जुड़ने का ये ऑनलाइन कैंपेन है। इस QR कोड को स्कैन करके अथवा हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर 50 दिन, 50 हफ्ते, 50 महीने अथवा 50 वर्ष के लिए वेब सीरीज का त्याग करना होगा। इसे हम वेब वीरती कहेंगे। वीरती यानी कि अटकना, रुकना। 25 नवंबर 2024 के दिन प्रभु महावीर का दीक्षा कल्याणक दिवस है। इस दिन से वेब वीरती शुरू होगी। सभी तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स एवं उन पर आ रही अश्लीलता, एडल्ट कंटेंट सब इसमें आ गया, ये समझना है।
वेब वीरती का नियम लेने वालों में से लकी विनर्स को 5 लाख रुपयों तक के इनाम दिए जाएंगे। एक कदम शील रक्षा की ओर।